कोरोना काल में जहां प्रदेश सरकार स्वास्थ्य इंतजामों को दुरुस्त करने में जुटी हुई है, वहीं फिरोजाबाद से सामने आए एक मामले ने इस कवायद को सवालों के घेरे में ला दिया है। ताजा मामला थाना रसूलपुर इलाके का है, जहां एक प्राइवेट अस्पताल में एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाकर जमकर हंगामा काटा। आरोप ये भी है कि अस्पताल लाइसेंस कैंसिल होने के बाद भी चल रहा था। मामले में अब स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। मुझसे बोल रही थी, पैसे मांग रहे थे 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए तो जमा करवा लिया इन्होंने। अरे भैया, फिर जमा करवा लिया जो कह रहे पैसों के इंतजाम और करके लाते हैं ना, ट्रीटमेंट रोक दिया हम, जब तक पैसे के इंतजाम करने गए तो हमारी बच्ची हमें यहाँ पर मिली नहीं है अंदर। उसकी बच्ची पैदा हुई थी, मरी हुई। मृतक महिला के परिजनों का आरोप है कि इलाज के नाम पर उनसे मोटी रकम वसूल की गई। इसके बाद भी अस्पताल ने और पैसे की मांग करते हुए इलाज करने से इनकार कर दिया। मामले की जानकारी सीएमओ को दी गई, जिसके बाद वो भी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल की। हॉस्पिटल थे जिनके लाइसेंस रद्द किए गए, उसमें इसका भी नाम था, इसका भी नाम और था। उन्होंने कुछ दिन पहले ही बंद कराया था, ये 2 दिन पहले ही चालू हुआ है। हाँ, इसको बंद कराया गया था, लेकिन इसने आज कुछ डॉक्यूमेंट्स नए प्रस्तुत किए हैं। एनओसी तो पुरानी वाली इनकी लगी हुई थी, ऐसा पाया गया था, जिसको लेकर लाइसेंस रद्द किया गया था, तो अभी तो एनओसी नहीं लगाई नहीं गई। फिर किस आधार पर इसको चालू किया गया? नहीं, इसमें वो नहीं है, चालू नहीं किया गया था, इन्होंने अपनी मर्जी से इसको, ये हमारे आदि संज्ञान में आया कि ये इसको खोल चुके हैं, लेकिन ये आज जो उन्होंने हमें डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, इसमें ये रिसेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, तो मैं इसको वेरीफाई कराऊंगा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से कि ये सही है या गलत है। रसूलपुर क्षेत्र का ये प्राइवेट अस्पताल अक्सर विवादों के घेरे में रहता है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस प्राइवेट अस्पताल का लाइसेंस भी निरस्त किया गया था, पर बाद में दूसरे नाम से इसे संचालित किया गया था। इस मामले में सीएमओ ने अस्पताल के कागज और आरोपों की जांच कर नियम के मुताबिक कार्रवाई करने की बात कही है, पर बड़ा सवाल है कि कई बार शिकायत के बाद भी अस्पताल आसानी से कैसे चलता रहा, और नियमों की अनदेखी पर आखिर क्यों स्वास्थ्य विभाग अपनी आंखें मूंदे रहता है।